प्रॉपरली गाड़ी में 10 सीट की डैम्पिंग होगी। सबसे पहले तो मिंडा की फॉगलाइट लगाई गई है। साफ जो गाड़ी में काम हो हमारे सबसे पहले ORVM पे रहेगा, देख लो ये हैजार्ड लैंप पे भी वर्किंग हुई है, देख लो प्रॉपर वर्किंग रहने वाली है इसके हैजार्ड लैंप पे। साथ में इसके वेलकम प्लेट पे काम हुआ है, नेक्सोन की बैजिंग के साथ आपको वेलकम प्लेट मिलेगा। साथ में जो गाड़ी में काम हो हमारे सीट कर्व एनालिसिस की फिनिशिंग आप देख लो, बिना हैंड टू हैंड कस्टमाइज करवाया इसकी फिनिशिंग। फुल बकेट सीट पर रहेगा, अगेन जो लेदर है वो लाइफ टाइम गारंटी वाला रहता है, इंपोर्टेड लेदर होता है। ये शटर चेंज कर दिया है यहाँ पे हमने, प्रॉपर एसी वेंट लगा के दिया गया है, देख लो एसी वेंट की फिनिशिंग, साथ में जेन्युइन टाटा का हमारा आमने लगा दिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली वो रहेगी भैया नेक्सोन XE वेरिएंट। भैया हमारे पास आया हिमाचल प्रदेश से, आप नंबर देख लो HP89 हिमाचल प्रदेश से आया, सिर्फ और सिर्फ XE को एक्सगेट करवाने के लिए। बेस टू टॉप का पूरा काम होगा इस गाड़ी के अंदर। क्या काम होने वाला भैया, देखो बेस में क्या आता है, नीचे फॉग लैंप आते हैं लेकिन नॉर्मल फॉग लाइट ही आता है, प्रोजेक्टर नहीं आता है। इस गाड़ी में कोशिश करेंगे सेम जो एक्सगेट के अंदर काम आता है, सेम जो इसके टॉप वेरिएंट में सेम मैचअप करने का, कुछ एडिशन लगाएंगे कुछ कम नहीं लगाएंगे। जैसे फ्रंट से एक मिंडा की फॉग लाइट लगने वाली है अपनी, एक प्रॉपर ये देख लो मिंडा के ओरिजिनल फॉग लैंप्स रहेंगे, साथ में रिले वायरिंग लगेगी वो भी मिंडा की लगने वाली है, ये सब हमारी रिले वायरिंग है। एक क्रेटा साउंड हॉर्न लगेगा साथ में, अभी हेडलाइट में और कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, वही रहने वाला है। आप अंदर आएंगे तो मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। ये दरवाजे खुल चुके हैं आप देख लो, प्रॉपरली गाड़ी में 10 सीट की डैम्पिंग होगी, साथ में जेन्युइन टाटा का पावर विंडो लगने वाला है। आपको पता है इसके अंदर फ्रंट 2 कंट्रोल्स आता है, हम इसके अंदर फ्रंट 4 कंट्रोल्स लगाएंगे, जो लगने के बाद आपको पता लगेगा। साथ में वेलकम प्लेट पर काम होगा, एम्बियंस लाइट पर काम होगा, साइड पर लेदर रैप होगा, आपको पता है टॉप मॉडल में साइड दरवाजे पर लेदर रैप आता है, वो भी लेदर रैप होगा। एक प्रीमियम क्वालिटी का सीट कवर लगने वाला है, जो कि आप देख लो ये क्वालिटी रहेगा, फिर हैंड टू हैंड स्टिच करवाया इसको, सीट कवर लगने वाला है जिसको अगेन इंपोर्टेड लेदर होगा लाइफ टाइम गारंटी के साथ। इसके अंदर देख लो आप बिफोर लुक रहेगा, अभी शटर हमारा चेंज होगा, पूरा कंसोल चेंज होने वाला है, अभी ये बिफोर लुक रहेगा, ये अभी पूरा कंसोल पार्ट चेंज हो जाएगा हमारा। साथ में स्टीयरिंग कंट्रोल लगेगा, बिफोर लुक रहेगा, अभी देख लो आप स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कवर, ये सब लगेगा, चेंज होगा। साथ में आपको पता है XE के अंदर जो अपना ORVM होता है वो मैनुअल आता है, ये सब अभी हटके टॉप मॉडल का XZ प्लस वाला ORVM भी चेंज होगा इस गाड़ी के अंदर। साथ में रूफ फील लगेगा, बैक साइड से आएंगे तो बैक साइड से भी रिफ्लेक्टर लगेगा, आप देख लो बिफोर लुक रहने वाला है। ब्रेक लाइट लगाने का ऑप्शन है, मैं भैया को बताऊंगा इसके बारे में, अभी भैया ने मना करा है। एक एंटीना लगेगा, देखो बिफोर लुक रहेगा, एक रूफ फील चिपकेगा इसके अंदर प्रॉपरली, वो भी लगेगा। पूरा बेस टू टॉप का काम होने वाला है, जो भी होगा सारा XZ काम होगा और जेन्युइन पार्ट्स के साथ ही होगा। मैं आपको दिखा दूँ पार्ट्स भी इसके। ये हमारा ब्रेक लाइट रहता है, ये अभी भी है ना मना किया है लेकिन दिखा देंगे, अगर बोलेंगे तो लगा देंगे अपन। ये भी जेन्युइन टाटा का पार्ट रहने वाला है। ये ब्रेक लाइट होता है, ये बीच में लग जाती है, यहाँ पे लगता है। साथ में इसका ये हमारा कैमरा होगा जो कि AHUD कैमरा रहने वाला है। इसकी प्लेसमेंट अगर हम OEM पार्ट पे ही करेंगे, जो कि यहाँ पे करेंगे इसकी प्लेसमेंट कैमरे की। साथ में अगर करने देते काम फिर मैं आपको दिखाऊंगा। भैया ये इसका पावर विंडो रहने वाला है, देख लो टाटा जेन्युइन पावर विंडो रहेगा, 4 कंट्रोल्स रहेगा इसके अंदर। आपको पता है नेक्सोन के बेस रेट में ओनली 2 कंट्रोल आता है, इसमें हम लगाएंगे 4 कंट्रोल, आप आगे से इसको पीछे भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ में इसका चाइल्ड लॉक भी प्रॉपर वर्किंग रहेगा। ये पूरा पार्ट लगेगा जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाला है, आप देख लो टाटा की बैजिंग मिलने वाली है। साथ में जो बैक साइड में हम लगाएंगे वो टाटा का ओरिजिनल पावर विंडो लगाएंगे, ये रहने वाला है जो कि। साथ में इसके पावर विंडो के साथ साथ इसके ORVM पे भी वर्किंग चल रही है, आप देख लो इसके अंदर मैनुअल ORVM आता है, हम इसको हटा के ऑटो फोल्ड लगाने वाले हैं इसके अंदर। ये भी टाटा जेन्युइन पार्ट रहेगा, इसका डब्बा ये रहने वाला है, बॉक्सेस पूरा का पूरा। साथ में इसका हमारा अंदर से कंट्रोल करने के लिए बेजल मिलेगा, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर गाड़ी कंप्लीट करने देते फिर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा काम क्या हुआ था, कैसे हुआ था। भैया हमारे नेक्सोन XE का सारा काम जो कंप्लीट हो गया था। भैया फ्रंट साइड से जो काम किया गाड़ी है इसके फॉग लैंप पे रहने वाले, सबसे पहले तो मिंडा की फॉग लाइट लगाई गई है, प्रॉपर रिले के साथ लगाई गई है। इसकी लाइट का रिस्पॉन्स मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये इसकी लाइट का रिस्पॉन्स रहने वाला है, नॉर्मल लाइट रहेगा क्योंकि भैया मिंडा का फॉग लाइट है। साथ में क्रिएटर साउंड हॉर्न पे काम हो रहा है इसकी, ये रहेगा इसकी क्रिएटर साउंड हॉर्न की आवाज। साथ जो गाड़ी में काम हो हमारे सबसे पहले ORVM पे रहेगा, देख लो ये टॉप मॉडल का ORVM रहने वाला है, जो पहले बेस में था हमने हटा दिया, इसके अंदर टॉप मॉडल का ORVM लगा दिया क्योंकि प्रॉपरली की से वर्किंग है। अगर मैं गाड़ी कर दूंगा लॉक हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, अगर मैं गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ ये हमारा अनफोल्ड हो जाएगा। साथ में अगर किसी भाई को अंदर से भी एडजस्टिंग चाहिए आप देख लो तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। भैया फोल्ड हो गया हमारा, अगर आपको अनफोल्ड करना है आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं बैठे बैठे। साथ में एडजस्टिंग भी आ गया इसके अंदर, ये देख लो पूरा मिरर एडजस्टिंग हो चुका है। पहले जो एक बेस मॉडल में आता था वो जो डंडी वाला हमारा मिरर आता है, वो डंडी वाला पूरा मिरर हटके ये टॉप मॉडल मिरर लग गया। साथ जो गाड़ी में काम हो हमारे पावर विंडोज पर रहने वाला, आप ये देख लो फ्रंट 4 कंट्रोल पावर विंडो लगा गया, जेन्युइन टाटा का पार्ट रहने वाला है, ये इसकी फिनिशिंग प्रॉपर कंट्रोल रहेगा। ये देख लो आप फ्रंट कंट्रोल तो पहले था, पीछे का कंट्रोल इसमें ऐड ऑन हुआ है, ये देख लो आप पीछे का, मैं आगे से ही पीछे का भी कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ में पीछे से इसके अंदर नॉर्मल आता था बटन आता था घुमाने वाला, वहां पे ये हटा के ट्विटर लगा दिया गया है।
और हमने आगे लगा दिया है ट्विटर लगा दिया गया, साथ में यहाँ पे इसके पावर विंडो लगा दिया गया है। प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगा पावर विंडोज की, जो जेन्युइन डाटा का पावर विंडो रहेगा पार्ट रहेगा। साथ में अगर इसके अंदर आपको चाइल्ड लॉक चाहिए, चाइल्ड लॉक भी वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है। आप देखो मैं यहाँ पे चाइल्ड लॉक वर्किंग कर दिया है, अभी पीछे का मिरर वर्किंग नहीं होगा क्योंकि मैंने चाइल्ड लॉक दबा दिया है। ये नहीं चल रहा है, रीजन भी मैंने आगे से चाइल्ड लॉक दबा दिया। अगर मैं चाइल्ड लॉक खोल दूं, आप देखोगे मैंने चाइल्ड लॉक खोल दिया है, अब ये पूरा प्रॉपर मिरर वर्किंग होगा। ये देखो ये जेन्युइन डाटा का पावर विंडो रहने वाला है। साथ में जो काम होता है साइड पैनल रैप पे होता है, क्योंकि इसके टॉप मॉडल में आपको पता आता है एक्सजेड प्लस के अंदर यहाँ पे साइड पैनल रैप आता है। साथ में K3 की एम्बियंस पे वर्किंग होती है, जो कि जेन्युइन कार्डी की रहने वाली, 6 पीस के अंदर 4 दरवाजे, साथ में 2 डैशबोर्ड पे रहेगा वर्किंग। प्रॉपर देख लो फिनिशिंग, ये फिनिशिंग रहने वाली है गाड़ी के अंदर। एम्बियंस लाइट, साइड पैनल रैप के अंदर देख लो आप। साथ में इसके हैजार्ड लैंप पे भी वर्किंग हुई है, देख लो प्रॉपर वर्किंग रहने वाली है इसके हैजार्ड लैंप पे, जो कि इसके टॉप मॉडल में आता है। साथ में इसके वेलकम प्लेट पे काम हुआ है, नेक्सोन की बैजिंग के साथ आपको वेलकम प्लेट मिलेगा। साथ में जो गाड़ी में काम हमारे सीट कर्व है, इसकी फिनिशिंग आप देख लो, बिना हैंड टू हैंड कस्टमाइज करवाया इसकी फिनिशिंग। फुल बकेट सीट को रहेगा, अगेन जो लेदर है वो लाइफ टाइम गारंटी वाला रहता है, इंपोर्टेड लेदर होता है। साथ में स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग देख लो आप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देख लो, मैंने आपको दिखाया था बिफोर लुक रहने वाला था, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगा दिया है। प्रॉपर वर्किंग है, वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज और हमारा म्यूट, प्रॉपर वर्किंग रहेगा, जेन्युइन टाटा का पार्ट रहने वाला है। साथ में ये शटर चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने ये आर्मरेस्ट लगा दिया है, शटर लगा दिया है, प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ लगाया है। साथ में पीछे एसी वेंट भी लगा कर दिया है भैया को, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो, प्रॉपर एसी वेंट लगा कर दिया गया है भैया, देख लो एसी वेंट की फिनिशिंग। साथ में जेन्युइन टाटा का हमारा आमरेस लगा दिया है, प्रॉपर कंसोल लगा दिया है, जो जेन्युइन टाटा का आता है टॉप मॉडल के अंदर ही सेम वही लगा के दिया, कुछ चेंज नहीं है। भैया बात करते गाड़ी के ऑडियो सेटअप के अंदर, हमने इसमें लगाया था 4GB 32GB के अंदर एंड्रॉइड लगाया था, विद T5 प्रोसेसर लगाया था DVR के साथ, जिसे ऑक्टोकोर प्रोसेसर बोलते हैं। भैया इसमें फ्रंट बैक कैमरा नहीं लगवाया, ओनली रिवर्स लगवाया, इससे फ्रंट कैमरा नहीं चलेगा। इसका टच रिस्पॉन्स ये देख लो आप, A1 रिस्पॉन्स रहने वाला है। साथ में इस गाड़ी में 2 सेट कॉमरे लगाया, जो कि अल्फा का रहेगा, हरमन जेन्युइन रहता है। ये रिवर्स कैमरे की क्वालिटी रहने वाली है, अब ये देख लो HD कैमरा रहेगा, प्रॉपर मूविंग HD कैमरा रहने वाला है, इसकी ये क्वालिटी रहेगी। साथ में जो गाड़ी में काम होता है ग्रैब हैंडल्स रहने वाले, जो कि देख लो आप टाटा के बेस मॉडल में ये भी नहीं था, बहुत अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग कर दी कंपनी, ये भी लगा के दिया, ये भी जेन्युइन टाटा का पार्ट रहने वाला है। प्रॉपर ड्रिल होता है, इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं होता। साथ में सीट को मैंने आपको दिखाई दिया है, इसकी फिनिशिंग देख लो, हैंड टू हैंड कस्टमाइज डिजाइन मैंने करवाया, जो कि इसके बहुत बढ़िया डिजाइन लग रहा है, नो डाउट। फुल बकेट इसकी फिनिशिंग, यहाँ से फिट एंड फिनिश, जेन्युइन टाटा हमारा आर्मरेस्ट रहेगा शटर के साथ ही, देख लो आप पूरा शटर चेंज कर दिया गया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे शटर आने वाला है इसका। साथ में ये इसकी फिनिशिंग रहने वाली है, पीछे आपने एसी वेंट देख लिया होगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने USB सॉकेट लगा के दिया भैया को, जेन्युइन टाटा के साथ में USB ये भी लगा के दिया है। दोनों पार्ट हमारा जेन्युइन टाटा रहता है, USB सॉकेट भी और ये वाला वाटर सॉकेट दोनों रहता है जेन्युइन टाटा। साथ में भैया को ग्लव बॉक्स में लाइट लगा के दिया, देख लो यहाँ पे ग्लव बॉक्स, इसका स्विच यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इसको लाइट यहाँ से बंद करेंगे बंद हो जाएगा, चलाएंगे चल जाएगा, ये स्विच अभी हमारा ग्लव बॉक्स का। साथ में K3 की फिनिशिंग आप देख ही चुके हैं, प्रॉपर नेक्सोन में प्रॉपर बहुत अच्छी फिनिशिंग से बैठता है ये K3 एम्बियंस लाइट। लेदर रैप की फिनिशिंग देख लो, कहीं से आपको नहीं लगा कि आफ्टर मार्केट लेदर रैप हुआ है, ये प्रॉपर A1 लेदर रैप के अंदर होने वाला है, देख लो आप इसकी फिनिशिंग। साथ में जेन्युइन टाटा पावर विंडोज आपने दिखाई दिया, वहाँ पे हमारा जेन्युइन टाटा का पावर विंडोज ये सब हो गया, ORVM आपने दिखाई दिया है, यही सारा काम होता है गाड़ी में। बाकी बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी बैक साइड से गाड़ी में जो काम होता है शार्प फिन एंटीना पे रहने वाला है। साथ में इसके OEM कैमरे प्लेसमेंट यहाँ पे की गई, देख लो कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे बम्पर पे कैमरा प्लेसमेंट कर देते हैं, हम इसको OEM प्लेसमेंट ही हमेशा प्रेफर करते हैं। साथ में एक रिफ्लेक्टर भी वर्किंग हुई थी, जो कि इंडिकेटर वाला रिफ्लेक्टर रहेगा, स्कैनिंग मोड इंडिकेटर पे ऐसे स्कैन करेगा, बाकी पार्किंग और ब्रेक पे प्रॉपर वर्किंग रहेगा। अब बात आती है भैया के फीडबैक की, जो गाड़ी के हमारे ऑनर रहेंगे, भैया क्या नाम है अपना? जसविंदर सिंह। भैया अपना? रामकृष्ण। भैया अपना? अश्विनी। भैया कहाँ से आए थे? हिमाचल। हिमाचल से कितना किलोमीटर पड़ गया भैया? 700 किलोमीटर तो है। एक सिंगल साइड अप डाउन? अप डाउन तो मेरे 800 हो जाएगा ना, 800 से ऊपर है भाई, लगभग 900 किलोमीटर भैया अप डाउन, हमने 450 आना 450 जाना। कितना खर्चा आ गया भैया, क्या सोच के आए थे बेस को लेके आए थे यहाँ पे, क्या सोच के आए थे, क्या हो पाया क्या नहीं हो पाया? भैया सोचा था तो काम करवाना, तो काम तो हुआ, अच्छा हुआ है नो डाउट। कितना टाइम लग गया? टाइम तो भैया लग गया करीब 5-6 घंटे लग गया। आप सुबह 9 बजे आए थे, 6 बजे के आसपास? 6 बजे का। 9 घंटे के आसपास लग गए भैया, सुबह 9 बजे आए थे और अभी टाइम जो है वो 6:30 हो रहा है, 6:20 हो रहा है। तो जो चीज जेन्युइन देखी थी घर में बैठे बैठे यहाँ से, वो सब चीज जेन्युइन मिली या नहीं मिली? मिली है। उसको होगा जो नहीं मिला होगा? ऑलमोस्ट सभी चीज मिला है। कितना खर्चा आ गया अभी अंदाजा? अंदाजा तो आप नहीं, आपने भी थोड़ा देखा होगा ना, एस्टीमेट ऑलमोस्ट 90 के करीब आ गया। 90 के आसपास जो टोटल बिल आया वो अप्रॉक्सीमेटली 95 एक के आसपास आया होगा। बाकी रेटिंग आउट ऑफ 10 पे जो आपको ठीक लगे, जनरल लगे, रेटिंग भाई 5 लगे, 5 10 में से 5 नहीं, 5 में से 5 होता है ना, 5 में से 5 गूगल में तो अच्छा अच्छा स्टोर पे भाई, भैया की जो रेटिंग है 5 आउट ऑफ 5 है, 10 आउट ऑफ 5 है, 5 आउट ऑफ 10 ही है। बाकी काम में कोई दिक्कत तो नहीं भैया? काम अच्छा है, कोऑपरेटिव है भैया, बढ़िया है। और ये भाई जो है हमारे
10 साल जो है दिल्ली में काट चुके हैं रामकृष्ण जी, हेल्प करी होगी आप बिल्कुल, इन्होंने सजेस्ट भी किया था। बाकी भाई आपने ये देखा भैया का फीडबैक, अगर आपको इस गाड़ी का काम अच्छा लगा तो आप हमारे शॉप तिवारी का डेकोर पे आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर सारी डिटेल आपको नंबर नीचे फ्लैश कर रहा होगा। भाई किसी भी गाड़ी का आपको कोटेशन चाहिए तो व्हाट्सएप डाले आपको कोटेशन भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग की वॉच की सब्सक्राइब।